नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपकर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। वैक्सीन को लेकर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंस की उड़ी धज्जियाँ। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 27A में वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाएँ चरमराई हुई दिखाई दे रही है। वैक्सीनेशन सेंटर में गाइडलाइन की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। हैरान देने वाली बात तो यह आई कि मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का सरकार ने विशेष तौर पर जरूरी किया गया है, लेकिन यहाँ तो ना मास्क, ना दूरी और सैनिटाइजर का तो नामो निशान भी नहीं दिखाई दिया। यह सब कुछ देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार को सरेआम अंगूठा दिखाया जा रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर आज सुबह से ही सेंटर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि पहली डोज 80 mg, दूसरी डोज 20 ही ग्राम पंचायत में पहुंची, जिस पर ग्रामीणों द्वारा धक्का मुक्की पर उतारू हो गए। जिसको लेकर एक बार तो वैक्सीन को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर सहमति पर शुरू किया गया। इस लोगों की भारी भीड़ के बीच वैक्सीन लगाने वाले अधिकारी भी इन बिगड़े हुए हालातों में भीड़ का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे थे। इस भारी भीड़ को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है, और जिसके चलते सोशल डिस्टेंस की तो खुलकर धज्जियाँ उड़ाई गई, और जो सरकार कह रही है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यह तो एक कहावत बनकर ही रह गई। क्योंकि यहाँ पर न तो 2 गज की दूरी थी और ना ही हर किसी के मास्क लगा हुआ था। प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले में मूक दर्शक बने हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली नज़र आ रही है, क्योंकि जहां एक ओर सरकार सोशल डिस्टेंस को लेकर आम जनता को लगातार जागरूक कर रही है, लेकिन यह तस्वीरें कहीं ना कहीं संक्रमण को बढ़ाने वाली नज़र आ रही है।